आज हम बात करेंगे वीपीआरपी की। वीपीआरपी का सर्वे जो ऑनलाइन अपडेट करना है वो किस तरह से करना है। एनआरएलएम वीपीआरपी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ब्लॉक की तरफ से जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है, स्विच रोल पर आप कर देंगे और सिलेक्ट करेंगे एसएचजी सीआरपी वीपीआरपी एंटाइटलमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है चेंज रोल कर देंगे। इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। एसएचजी एंटाइटलमेंट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके जो है ऑनलाइन समूह जितने भी उस पंचायत में हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। जैसे हम ले लेंगे उज्ज्वल एसएचजी एनआरएलएम भंगाड़ी, इसमें जो है प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। इसमें टोटल 6 लोग हैं, 6 में से 5 का मैंने कर लिया है, 1 का हम फिर से करेंगे। इनकी एज लिख लेंगे रीना 30 साल, और हस्बैंड नेम इनका लिख देंगे दुर्गाराम, वार्ड नंबर और वार्ड नेम। इसी तरह से आप भी फिल कर लेंगे पूरी जानकारी इसमें और इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इनकी सोशल कैटेगरी जो है एससी और अदर कैटेगरी, अगर वुमेन हेडेड फैमिली है या फिर सिंगल डेस्टिट्यूट वुमेन। सिंगल डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, अगर कोई वुमेन है तो वो आप करेंगे, नहीं तो फिर नन पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनके पास मनरेगा कार्ड है, शौचालय इनके पास सॉरी नहीं है, हेल्थ कार्ड नहीं है, उज्ज्वला स्कीम इनके पास है, राशन कार्ड है, घर बिजली है, और इन्होंने दोनों बीमा भी करवाए हैं, 20 रुपये वाला भी और 436 रुपये वाला भी। घर इनके पास नहीं है और कार्ड इन्होंने हिम केयर बना रखा है। तो जो जो चीज़ें इनके पास है वो सारी चीज़ें इनको जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनल सेव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है देखिए सभी का प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। उसके बाद बैक आ जाएंगे और फिर हम जो है इसी ग्रुप के प्लान पर क्लिक कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं। जैसे महिमा का यहाँ पर आ रहा है कि इनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, तो हम इनकी जो है न्यू रिक्वेस्ट डाल देंगे और इसमें जो है जो जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं वो इनके पास है, तो हम इसको डन कर देंगे और सेव के साथ डन कर देंगे। उसके बाद इसको हम कैटेगराइज भी कर देंगे, वैलिडेट हमने इसको ज़रूर करना है। जब वैलिडेट करेंगे तो फिर सक्सेसफुली वैलिडेट ग्रीन कलर में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो चुका है। वापस आ जाएंगे और फिर जो है हम अदर पे ले लेंगे। मान लीजिए एसबीएम किसका हमने करना, जैसे रीना के पास जो है टॉयलेट नहीं है तो उनका जो है हम यहाँ से जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की है वो सिलेक्ट करके डन कर लेंगे और इसी तरह से इसे जो है कैटेगराइज भी हम कर लेंगे। कैटेगराइज इसमें ज़रूर, क्योंकि एससी का है तो ऑलरेडी इसमें वैसे कैटेगराइज आ रहा है, बस इसको सिर्फ नंबरिंग करके हमने ओके अपडेट करना है। ये वैलिडेट हो चुका है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। रीना का ये हो चुका है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसके पास क्या चीज़ नहीं है। जैसे हेल्थ कार्ड का दिखाया है, हेल्थ कार्ड तो कंफर्म नहीं है कि किसके पास आयुष्मान है, किसके पास हिम केयर। उज्ज्वला, जैसे द्रौपदी ने कहा है कि उनके पास नहीं है तो उनका हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इनको रैंकिंग भी हम कर देंगे। और इसे अपडेट कर लेंगे। वापस आ जाएंगे। वैसे महिमा ने कहा है उनके पास जो है उनके पास भी नहीं है, तो इनका भी जो है ओके करके इनको भी हम रैंकिंग कर देंगे।
ये सेम रैंकिंग नहीं लेगा, तो इसमें रैंकिंग वन और रैंकिंग टू हम कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो ये हो चुका है, रैंकिंग दोनों की हो चुकी है। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, फिर देखेंगे कि राशन कार्ड भी सभी के पास है। इसी तरह से हम हर प्लान को चेक करते जाएंगे कि किसके पास क्या चीज़ नहीं है, और अगर वो डिज़र्व करते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ों से हमें जोड़ना है। जैसे ये एक द्रौपदी का आया था, तो इनकी जो है इंश्योरेंस एक नहीं हुई थी, तो इनको जो है कर देंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जैसे आवास योजना है, आवास योजना जो है इसमें महिमा को मिल चुकी है और हमने ये देनी है एक रीना को, क्योंकि रीना ने कहा था कि उसके पास जो है ना तो शौचालय है और ना ही उसके पास रहने को घर है, तो फिर उसका हम इसमें डाल देंगे और इससे भी हम रैंकिंग कर देंगे वन। ये वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज ऐसी रह गई है जिसमें हम किसी का डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, तो 6 तरह की रिक्वेस्ट हमने इसमें डाली है, न्यू रिक्वेस्ट। वापस आ जाएंगे, उसके बाद जो है समूह के नाम पर हम क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो है स्क्रीन शो करेगी जिसमें बेसिक मेंबर प्रोफाइल हमने 6 लोगों का किया है, 6 में से 6 लोगों का, और एंटाइटलमेंट प्लान भी इसमें आपका शो करेगा, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड 1, SBM शौचालय के लिए 1, हेल्थ कार्ड कोई नहीं है, उज्ज्वला स्कीम 2 के लिए हमने किया है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 1, प्रधानमंत्री आवास योजना 1, तो इस तरह से ये सारी चीजें दिखाएंगे, बैक आ जाएंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ से समरी से भी चेक कर सकते हैं, इसकी जो है पूरी समरी हमारे पास शो करेगी कि कौन कौन से प्लान में कितने लोग, जैसे हमने उज्ज्वला और जॉब कार्ड में 2 लोगों को डाला है, उज्ज्वला स्कीम और PMJJY आवास योजना और शौचालय का। वापस आ जाएंगे, उसके बाद जो है जब ये सारा कंफर्म हो जाएगा तो आप सबमिट एंटाइटलमेंट प्लान टू VO कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर कमेंट्स कर देंगे, प्लीज सिलेक्ट कमेंट। तो इसमें आप जो है SHG मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान रिक्वायरमेंट्स, तो अगर SHG मेंबर को इस तरह का कोई प्लान नहीं मिला है और इस तरह की आवश्यक जरूरतें, अगर जरूरत का कोई भी प्लान नहीं मिला है, तो आप उस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे और इसको यस करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये जो है सबमिट हो चुका है। वापस आ जाएंगे, ये देखिए वापस आकर जो है सबमिट एंटाइटलमेंट प्लान टू VO आपका जो है वो ब्लैक कलर में हो चुका है, तो इट मींस आपका ये सबमिट हो चुका है। आप वापस आ जाएंगे, अब देखिए आप जो है देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है उज्ज्वला SHG NRLM भंगाड़ी जो 6 नंबर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, उसके आगे जो है एक क्लाउड का साइन आ रहा है और उसमें व्हाइट सा एक एरो दिखा रहा है, इट मींस ये आपका जो है VO में सबमिट हो चुका है। तो यहीं तक की आपने जानकारी जो है सबमिट करनी है। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको जो है समझने में आसानी हुई हो